हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल, और यू कैन से मेथड ऑफ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। तो जिन लोगों ने भी मेरा रैंकिन साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, वो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले से ही आपको एक डिस्क्लेमर या फिर नोटिस दे देता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझना है तो मेरा रैंकिन साइकिल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? फिर वो इधर आना, फिर बोलना मत सर कि मुझे नहीं समझ में आया, रैंकिन साइकिल देखना बहुत जरूरी है बेटा, तो पहले रैंकिन साइकिल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? तो अब इसमें हम बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से वेरिएबल है जो अफेक्ट करते हैं ऑन द एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल पे, कौन कौन से वेरिएबल अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से मेथड है जिससे हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं रैंकिन साइकिल। सो फैक्टर अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल भी आप बोल सकते हो। सो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं कि अगर लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर करेंगे बेटा तो तुम्हारा एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल बढ़ेगा, वो कैसे, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर। सो चलो, तो पहले हम नॉर्मल साइकिल को पढ़ेंगे तभी जाके कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये हमारी नॉर्मल साइकिल कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। तो ये हमारी वही सेम साइकिल है, 1 से 2 पंप वर्क, फिर 2 से 3, ये यहां से 2 से जाएगा 2 डैश, फिर 2 डैश से 3 डैश लेटेंट हीट, फिर 3 डैश से 3 सुपर हीट, फिर 3 से 4 एक्सपांशन एंड 4 टू 1 हीट रिजेक्शंस एंड 1 लिक्विड। तो ये हमारी नॉर्मल साइकिल थी, ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, कंडेंसर प्रेशर को कम करेंगे। तो ये अभी जो कंडेंसर प्रेशर है वो यहां पे, यू कैन सी दिस 4 टू 1 लाइन। तो अब मैं कंडेंसर प्रेशर को क्या करूंगा, बाकी सारे फैक्टर एज इट इज रखूंगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो यू नीड टू कीप अदर फैक्टर्स सेम। तो बाकी के जितने भी फैक्टर इस साइकिल में वो सेम रहेंगे। अगर कंडेंसर प्रेशर कम करूंगा तो क्या होगा, तो देखो अभी कंडेंसर प्रेशर इस लाइन पे, ठीक है? अब मैं कंडेंसर प्रेशर कम करता हूं, तो अब मेरी इंक पे देखना, तो अब कंडेंसर प्रेशर कम करूंगा तो ये 4 पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा, यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं दिस विल बी 4 डैश, ये यहां पे आ जाएगा। तो अब ये कंडेंसर प्रेशर डाउन किया तो इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से बनेगा फिर अभी नया, सो लाइक दिस, फिर ये यहां पे 1 पॉइंट आ जाएगा, और फिर 1 से तुमको किस तरीके से करना पड़ेगा, फिर ये लाइन यहां पे एक्सटेंड करनी पड़ेगी तुमको, बॉयलर प्रेशर वाली लाइन, इसको बॉयलर प्रेशर ही बोलते हैं। टीएस डायग्राम में प्रेशर इस तरीके से दिखाते हैं, ये और ये पूरा बॉयलर प्रेशर ही है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुमने स्टीम, अब कंडेंसर प्रेशर डाउन किया, तो कंडेंसर प्रेशर लाइन कौन सी है, तो ये 4-1 वाली लाइन जो दिख रही है वो कंडेंसर प्रेशर, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? तो ये कंडेंसर प्रेशर लाइन, अब मैंने डाउन किया, लोअर किया, तो अब 4 पॉइंट यहां पे आ जाएगा नीचे, अब 4 पॉइंट नीचे आएगा तो अब क्या होगा, हीट रिजेक्शन यहां से होगा कंडेंसर के अंदर, तो ये 1 पॉइंट अब यहां पे आएगा लिक्विड लाइन पे। अब मुझे पंप में क्या करना है, पंप में कंप्रेशन करके उसको बॉयलर प्रेशर पे ले जाना है, तो अब मेरा कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब मुझे 1 से यहां पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, तो ये अब 2 डेज यहां पे आ जाएगा। तो क्या क्या फर्क पड़ा अगर कंडेंसर प्रेशर लोअर किया, तो पहले तो ये समझ लो, सबसे पहले फायदा मिला हमें टर्बाइन वर्क में। देखो पहले टर्बाइन वर्क कितना था, 3 से 4, अब ये 3 से लेके यहां तक हो जाता है, यहां से येलो लाइन देखो मैंने नीचे करे हुए, तो अब ये तुम्हारी ये जो टर्बाइन वर्क वाली लाइन थी ये बड़ी हो गई, पहले यहां इतनी थी 3 से 4, अब ये यहां तक हो गई 3 से 4 डेज तक, क्योंकि आपने कंडेंसर प्रेशर डाउन किया, तो टर्बाइन वर्क बढ़ जाता है क्योंकि टर्बाइन वर्क वाली लाइन ये बड़ी हो जाती है वर्टिकल लाइन। सो ये WT टर्बाइन इंक्रीज हो जाएगा तो हमें एफिशिएंसी में फायदा रहेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन बच्चे कम हो जाएगा, क्यों? देखो अब यहां से देखो, ये ओल्ड पॉइंट था, तो ये ओल्ड पॉइंट था वो ये वेपर लाइन से नजदीक था, लेकिन अब देखो ये वेपर लाइन से इतना दूर हो गया, देखो ये इतना दूर हो गया, उसका मतलब कि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो गया। ड्राइनेस फ्रैक्शन मींस अब उसमें वाटर वेपर ज्यादा है और स्टीम कम है, ठीक है? तो ड्राइनेस फ्रैक्शन डाउन होता है तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मॉइस्चर इफेक्ट करता है, सो दैट इज व्हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए। तो एक डाउन इफेक्ट है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो जाता है, वो कम नहीं होना चाहिए, सर्टेन लेवल से बिलो नहीं जाना चाहिए। फिर पंप वर्क क्या होता है, तो देखो पंप वर्क बढ़ जाएगा, क्यों पंप वर्क बढ़ेगा, पहले ये 1 से 2 तुम्हारा इधर था, इतना था ये, क्योंकि 1 पॉइंट फिर ओल्ड साइकिल के हिसाब से 1 पॉइंट इधर था, फिर 1 से 2 यहां पे जाता, अब ये देखो ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि अब यहां से ये आएगा और ये तुम्हारी बॉयलर प्रेशर लाइन है, ये पूरी बॉयलर प्रेशर लाइन है, तो तुम्हें 1 से बॉयलर प्रेशर लाइन पे जाना पड़ेगा कंप्रेशन करके, क्योंकि बाकी सारी चीज मैंने एज इट इज रखी है। तो ये तुम्हारा बढ़ जाएगा वर्टिकल लाइन 1 से 2 डे, सो पंप वर्क विल बी इंक्रीज कंपेयर टू दिस 1-2। फिर हीट सप्लाइड भी बढ़ जाएगा, क्यों? पहले तुम हीट जो बॉयलर में देते थे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट देता था, 2 से
इधर, फिर टू से इधर, फिर ये लेटेंट हीट, फोर इधर, तो टू से थ्री था. अब देखो ये टू डेज इधर आप आ गया, सो टू डेज से इधर, फिर इधर एंड फिर थ्री. सो ये लाइन तुम्हारी बढ़ रही है, देखो समझ में आ रहा है. अब टू डेज से थ्री हो रहा है हीट एडिशन, क्योंकि पहले वन से टू, तो टू पे बॉयलर पे एंट्री होता था, अब टू से थ्री होता था, लेकिन अब टू डेज पॉइंट इधर पे आ गया, सो अब टू डेज से थ्री, यानी ज्यादा हीट तुमको देना पड़ेगा, है ना. सो हीट सप्लाइड विल बी मोर. अब हीट रिजेक्शन क्या होगा, तो हीट रिजेक्शन भी बढ़ जाएगा. पहले देखो ये 1 टू 4 लाइन इधर था, 1 टू 4 लाइन इधर था, इतना था, ठीक है. अब देखो 4 डैश से 1 डैश, इसको मैं 1 डैश बोल देता हूं, ठीक है. सो अब देखो ये 4 डैश से 1 डैश, तो ये बढ़ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा हीट रिजेक्शन भी बढ़ गया है. पर इसमें फायदा ये होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा. कंडीशन क्या है कि ये बाकी सारे फैक्टर जो डाउन फैक्टर है वो कम होने चाहिए, और जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ज्यादा, यानी टर्बाइन वर्क ज्यादा बढ़ना चाहिए कंपेयर टू ये जो डाउन पॉइंट है. तो अगर हम ऐसा बिलीव करें कि टर्बाइन वर्क ज्यादा बढ़ता है और बाकी जो चीजें कम हो रही है जो हमारे लिए एफिशिएंसी के लिए फायदेकारक नहीं, अगर वो कंपेयर टू बहुत नेग्लिजिबल है वो जो भी चीज हो रही है और टर्बाइन वर्क हमें ज्यादा मिल रहा है, सो हम मान सकते हैं कि यहां पे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर इन दिस वे. ओके, सो वी विल अज्यूम कि WTA वो ज्यादा रहेगा क्योंकि टर्बाइन वर्क ज्यादा मिलेगा. जो डाउन पॉइंट्स है वो ऐसा सोचेंगे कि वो नेग्लिजिबल है, डाउन पॉइंट हो तो रहा है पर कंपेयर टू टर्बाइन वर्क वो सारी चीजें नेग्लिजिबल है, और ओवरऑल इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा कि जिसमें हमें फायदा होगा. सो दैट इज व्हाई वी कैन सी द एफिशिएंसीज इंक्रीज. सो बेटा हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें टर्बाइन वर्क ही बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा फोकस हमारा उस पे होना चाहिए. हां, ऐसा करते हुए बाकी सारे डाउन पॉइंट हो सकते हैं, पर हमें ऐसा अज्यूम करना है या फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी के सारे जो डाउन पॉइंट है वो बहुत नेग्लिजिबल, उसको अवॉइड किया जा सकता है. भले ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है लेकिन वो बहुत इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हालांकि टर्बाइन वर्क बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से सोचना है. अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, सुपर हीटिंग द स्टीम टू द हायर टेम्परेचर. अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कंडेंसर प्रेशर सेम रखेंगे बट बाकी बदे और सारे फैक्टर सेम रखेंगे, सिर्फ हम देखेंगे सुपर हीटिंग करवाएंगे तो क्या होगा. सुपर हीटिंग द स्टीम टू द हायर टेम्परेचर, ठीक है. तो इससे क्या फर्क होने वाला है वो समझते हैं. तो मैं क्या करता हूं, ये हमारी ओल्ड साइकिल, अब मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा. ये ओल्ड साइकिल 1 to 2, फिर ये, फिर 3 से सुपर हीटेड, 3 से 4 एक्सपांशन, 4 to 1 हीटेड, ये ओल्ड साइकिल है. अब मैं सुपर हीटिंग करूंगा तो क्या होगा, इसको हायर टेम्परेचर पे ले जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है. तो अब देखो ध्यान से देखना, इसी साइकिल के अंदर मैं कलर चेंज करता हूं, तो अब ये बाकी सारे फैक्टर सेम रखता हूं मैं, 4 से 1, 1 से 2, 2 से 2. अब देखो, अब एक चीज समझो, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत 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 जरूरी है. अब मैं सुपर हीटेड करता हूं तो क्या होगा इसके अंदर, देखो ये 4 to 1, 1 to 2, फिर ये भी चीज यहां पे, ये भी यहां पे. अब इसी चीज पे मैं सुपर हीटिंग ज्यादा कर रहा हूं, अब 3 पॉइंट में था, उसकी जगह ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर ले रहा हूं, तो अब मैं ले रहा हूं यानी 3 की जगह पे मैं 3 डेज पे सुपर हीटिंग कर रहा हूं, तो फिर यहां से वर्टिकल लाइन नीचे आएगा, यस और नो, यस. तो अब ये यहां से जाएगा 1 पे, बाकी सारी चीजें इट इज. तो अब ये 4 डेज यहां पे आ गया, 4 डेज, ठीक है. तो अब क्या हुआ, सबसे पहले देखो टर्बाइन वर्क बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, सुपर, देखो पहले कहां पे तक मैं करवाता था सुपर हीट, अप टू 3, यानी ये T3 तक, देखो ये यहां तक मैं करवाता था. कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको पता चले, तो ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये अप टू T3 करवाता था सुपर हीटिंग, यानी अब और ज्यादा करवाया, अब और ज्यादा करवाया नहीं, देखो ये बढ़ा दिया मैंने, अप टू T3 डेस मैंने सुपर हीट करवाया. तो क्या फर्क हुआ, तो सबसे पहले ये ओल्ड लाइन थी वो 3 to 4 वर्टिकल लाइन थी, उसकी जगह पे अब क्या आ गया, 3 डेस टू 4 डेस, तो ये वर्टिकल लाइन ज्यादा हो गया, यानी टर्बाइन वर्क बढ़ गया. दूसरी चीज, अब होगा क्या, हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड ज्यादा देना पड़ेगा. पहले कितना था हीट सप्लाइड, सो 2 से लेके 3 तक था, पर अब 2 से लेके अप टू 3 डेज देना पड़ेगा, सो हीट सप्लाइड बढ़ जाएगा. ड्राइनेस फ्रैक्शन इसमें फायदा होगा, सो ड्राइनेस फ्रैक्शन देखो, पहले ओल्ड पॉइंट था वो 4 पॉइंट यहां पर, तो हमें क्या देखना है कि सैचुरेटेड वेपर से वो पॉइंट कितना नजदीक है, जितना नजदीक होगा उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होगा. तो देखो 4 पॉइंट है वो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन से थोड़ा ज्यादा दूर है कंपेयर टू 4 डेज, 4 डेज है वो सैचुरेटेड वेपर से नजदीक है, इसका मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है तुम्हारा. सो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़े दे भी अच्छी चीज है. और हीट रिजेक्शन, सो हीट रिजेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि पहले 4 टू 1 था, अब ये 4 डेज यहां पे, तो 4 डेज से 1 डेज, तो हीट रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा. लेकिन सुपर हीटिंग का फायदा है कि इसमें मैं ज्यादा
कंपेयर टू कंडेंसिंग प्रेशर हमें ज्यादा यहां पे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहां से ऐसे भी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। बाय डूइंग सुपर हीटिंग वी आर इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी। अब इसमें एक चीज है सर, तो ये तो फायदा हो गया है ना सुपर हीटिंग करवा दिया तो। तुम बोलोगे सर सुपर हीटिंग करवा दिया तो ये तो फायदा हो गया ना सर, बहुत मजा आ गया। देखो पर इसमें एक लिमिट होती है बेटा, अप टू सर्टेन लिमिट, लेट से देयर इज अ वन सर्टेन लिमिट, उसके बियॉन्ड तुम नहीं करवा सकते सुपर हीटिंग। क्यों? क्योंकि तुम देखो वीर वो स्टीम तुम जो सुपर हीटेड भेज बना रहे हो कहां पे भेजोगे? टर्बाइन पे। तो अब टर्बाइन की ब्लेड होती है कि उसका भी एक लिमिटिंग टेम्परेचर होता है कि वो इतने टेम्परेचर तक की स्टीम को ही वो विथस्टैंड कर पाएगी। फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर वाली स्टीम भेजोगे तो मेटलर्जिकल इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो टर्बाइन की एफिशिएंसी डाउन हो सकती है, ब्लेड पे इफेक्ट आ सकती है। सो देयर इज मेटलर्जिकल लिमिटेशंस ऑफ द टर्बाइन ब्लेड सो दैट यू कैन नॉट सुपर हीट द स्टीम बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज द लिमिटिंग थिंग। सुपर हीटिंग हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी तो बढ़ रहे बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू व्हिच यू कैन सुपर हीट। सेम वे ओवर हियर कि यहां पे मैंने बोला लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर, तो बेटा उसकी भी एक लिमिट होती है कि वहां तक ही तुम कंडेंसर प्रेशर लोअर करोगे। उस ज्यादा करोगे तो फिर क्या होता है कि एयर लीक होने का ये चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो यू कैन सी दैट कि ये सारी भी चीज मैं बोल रहा हूं ये सारी फायदा कारक है, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू व्हिच यू कैन डू इट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर। सो ये मैंने बता दिया देयर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू व्हिच यू कैन सुपर हीट ड्यू टू मेटलर्जिकल लिमिटेशंस ऑफ द ब्लेड्स। चलो अब आता है इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। अब बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? तो पहले बॉयलर प्रेशर कौन सा, ये समझो। टीएस डायग्राम में प्रेशर को लाइन को कैसे बताते हैं? तो ये प्रेशर लाइन इस तरह, इसको प्रेशर लाइन ही बोलते हैं। देखो ये यहां से लेके यहां तक ये प्रेशर लाइन ही है। टीएस डायग्राम के अंदर प्रेशर लाइन तुम्हारी इस तरीके से ही होती है। नहीं पता है तो देख लेना, और नहीं समझ में आ रहा है तुमको, नहीं पता है तो मैं जो बोल रहा हूं वही भगवत गीता समझ लो। प्रेशर लाइन इस तरीके से होती है, लाइक दिस। इसको प्रेशर लाइन बोलते थे। पूरा बॉयलर प्रेशर पे ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉयलर प्रेशर है 2 से 3, ये प्रेशर लाइन ही बोलते हैं। इसको इस तरीके से प्रेशर दिखाया जाता है। सो आप देख रहे हो 2 से 3 वो बॉयलर प्रेशर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे पैरामीटर सेम रखा लेकिन बॉयलर प्रेशर बढ़ाता हूं। उसका मतलब क्या है कि अभी मैं प्रेशर कौन सा है, ये लाइन है। अब इसकी जगह पे मैं नई लाइन ले लेता हूं, लेट से कलर चेंज किया। अब मैं लेता हूं ये लाइन, यानी इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर ये यहां पे जाएगा और ये तो सुपर हीट वाला हमें सेम ही रखना है कि अप टू 3 तक ही हमें करवाना है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो ये सुपर हीट हमें यहां तक ही करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, 2 की जगह पे मैंने 2 डैश पे लिया। अब मैं यहां तक लूंगा, 2 की जगह पे 2 डैश, ये यहां तक जाऊंगा मैं। सो इसका कलर मैं रेडी ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। सो यहां तक जाएंगे हम, कलर चेंज करना पड़ेगा, लेट से अलग। हाँ, ये 2 की जगह पे अब 2 डैश पे जाऊंगा। अब बॉयलर प्रेशर बढ़ाया, पहले कितना था, पहले ये समझ लो बच्चे, ये आप देख रहे हो 2 से ये लाइन, फिर ये लाइन और ये लाइन, ये प्रेशर लाइन ही बोली जाती है। फिर अब मैं नई प्रेशर लाइन ये ले रहा हूँ, बाकी सारी चीजें सेम रख रहा हूं, तो ये भी मैं यहां तक ही जा सकता हूं अप टू ओवर हियर, क्योंकि हमें ये बाकी सारे पैरामीटर सेम रखने, यानी सुपर हीट हमें सेम ही रखना है कि ये T3 तक ही सुपर हीट होगा। सो लाइक दिस। तो अब हमारी क्या हो जाएगा नया, देखो ध्यान से देखो, ये बॉयलर प्रेशर अब ये यहां तक होगा। देखो यहां से यहां पे अब बॉयलर प्रेशर बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? देखो पहले बॉयलर प्रेशर इतना था, ये 2 से लेके 3 तक। अब इसको मैं नाम दे दूं 3 डैश, इसको नाम दे देता हूं 3 डैश। ठीक है, तो अब तुम क्या कर रहे हो, सो 2 डैश। अब देखो अब तुम्हारा पहले तो ये देखो पंप वर्क बढ़ जाएगा। पहले 1 से 2 होता था, अब क्या हो जाएगा 1 से 2 डैश। समझ में आ रहा है बच्चा? तो पहले बॉयलर प्रेशर लाइन कौन सी वो समझ में आना। तो देखो ये 2 से लेके 3 आप ये देख रहे हो, ये इसको बॉयलर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रेशर लाइन दिखाते हैं टीएस डायग्राम के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका बाकी सारी चीजें सेम रख रहा हूं पर प्रेशर लाइन बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं। तो अब ये प्रेशर लाइन है तुम्हारी बच्चा, ये प्रेशर लाइन है, दिख रहा है? ये प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है। मान लो कि ये 7 बार था, लेट्स से टेक वन एग्जांपल, ये 7 बार था और ये 10 बार है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, 1 से 2 की जगह पे 1 से 2 डैश पे ले जाओ, क्योंकि बॉयलर प्रेशर बढ़ा है। और बाकी दूसरी चीज क्या सेम रख रहा हूं कि सुपर हीट में यहां तक ही करवा रहा हूं, यानी T3 इक्वल टू 3 डैश। ये तो बाकी सारी चीज सेम ही रखना है, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, देखो पंप वर्क क्या हो रहा है, 1 से 2 की जगह पे 1 से 2 डैश, यानी पंप वर्क बढ़ गया। पहली चीज ये पंप वर्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज हीट सप्लाई क्या होगा, देखो इसमें फायदा क्या होगा, हीट सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? देखो एक चीज समझना है, क्योंकि आप
जितना ज्यादा ऊपर जाओगे, पहले आप क्या यहां से लेते थे नीचे नीचे पॉइंट से, जाना आपको यही लाइन पे, इसी लाइन पे जाना है आपको। सुपर एट देखो मैंने दोनों के लिए सेम रखा है, T3 इक्वल टू 33 डेज है। तो पहले आप 2 से शुरू करते थे, फिर यहां पे जाते थे, फिर 3 ये 3 पॉइंट पे पहुंचते थे। अब यहां पे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो अब आपको हिट जो देना पड़ रहा है, क्योंकि आप T3 इक्वल टू 33 डेज है, तो आप यहां से जाओगे यहां से और यहां से, तो T3 इक्वल टू 33 डेज है, यानी ये दोनों की टेम्परेचर की वैल्यू सेम है। तो पहले आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर चले गए तो अब हीट कम देना पड़ेगा, सो हीट सप्लाइड इन बॉयलर विल बी लेस। अब हीट रिजेक्शन में क्या होगा, देखो अब इसी लाइन को मैं नीचे ड्रॉ करूं, देखो अब इसी लाइन को मैं नीचे ले जाऊंगा इस तरीके से, तो अब 4 डेज यहां पे आ जाएगा, सो दिस विल बी 4 डेज। तो अब देखो पहले हीट रिजेक्शन कितना था, 4 to 1, अब कितना हो रहा है हीट रिजेक्शन, 4 डेज टू 1 डेज, यानी हीट रिजेक्शन कम हो गया। तो ये भी फायदा है, क्योंकि जितना कम हीट रिजेक्ट होगी बार सिस्टम में बार, उतनी ज्यादा हीट का तो यूटिलाइज करोगे वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहां पे हीट रिजेक्शन भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये पंप वर्क बढ़ जाएगा, हीट रिजेक्शन कम हो जाएगा, हीट सप्लाइड भी कम देना पड़ेगा। तो ये सारा फायदे काम हो रहा है, सिर्फ पंप वर्क ही ज्यादा हो रहा है, वो एक डाउनवर्ड साइड है, पर वो इतना ज्यादा नहीं है, वो नेग्लिजिबल, हम समझ सकते हैं पंप वर्क बढ़ रहा है वो नेगलिजिबल है। फिर ड्राइनेस फ्रिक्शन, और हाँ एक ये भी डाउनसाइड है कि ड्राइनेस फ्रिक्शन कम हो जाएगा। देखो पहले 3 से 4 यहां तक आते थे तुम, देखो 3 से 4 यहां तक आते, यानी ये 4 पॉइंट था वो वेपर लाइन से नजदीक था, अब ये 4 डेज पॉइंट है वेपर लाइन से दूर हो गया, यानी ड्राइनेस फ्रिक्शन कम हो रहा है, ठीक है। सो ये एक डाउनसाइड है। दूसरी चीज टर्बाइन वर्क, तो वो तो सेम ही रह रहा है, क्योंकि हमने T3 इक्वल टू 3 डेज रखा, तो 3 टू 4 वर्टिकल लाइन एंड 3 डेज टू 4 डेज वर्टिकल, दोनों सेम है, टर्बाइन वर्क सेम रहा है। लेकिन इसमें फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि हीट सप्लाइड कम हो रहा है, हीट सप्लाइड हमें कम देना पड़ रहा है बॉयलर के अंदर, तो इसमें फ्यूल सेविंग होगा हमारा, सो हीट सप्लाइड विल बी लेस। और दूसरा हीट रिजेक्शन भी कम हो रहा है, तो सिस्टम के अंदर से हीट जितना बाहर कम जाएगा उतना ही उसी हीट को तुम वर्क में कन्वर्ट करने में ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। सो दैट इज द एडवांटेज। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय सेविंग द फ्यूल। सो यू कैन से द हीट सप्लाइड हियर विल बी लेस, सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। सो दीस आर द 3 पॉइंट्स, यू कैन सी दैट लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर, सुपरहीटिंग द स्टीम टू द हाई टेंपरेचर एंड इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, ठीक है। इसीलिए तुम देखोगे कि पावर प्लांट के अंदर हाई प्रेशर बॉयलर यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस आर द वेज, दिस आर द मेथड्स, दिस आर द फैक्टर व्हिच अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।